सलाम अलैकुम जैद भाई, वालेकुम अस्सलाम अली क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? जी। अल्लाह का फजल, वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बिल्कुल माशाल्लाह। जी। जैद भाई, आई वुड कम स्ट्रेट टू द पॉइंट एंड वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इश्यू दैट वी आर फेसिंग इन पाकिस्तान, विच स्टार्ट्स फ्रॉम I think the whole story starts from the John Salwinski's kidnapping, the United Nations guy. वो kidnap कैसे हुआ? American embassy का उसमें क्या role था? पाकिस्तानी intelligence agencies का क्या role था? और ये जो तीन leaders थे जिनकी जिनको कत्ल किया गया बलूचिस्तान में, उनका क्या role था? मेरे ख्याल में तमाम story linked है। आप इसके ऊपर क्या तबसरा करेंगे? देखो अली, ये जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, अब वक्त है कि इसके ऊपर बड़े खुलकर बड़ी साफ बात की जाए। ये पाकिस्तान को तोड़ने का जो होलब्रुक का प्लान है, जिसको ये यूगोस्लाविया ऑप्शन कहते हैं, कि जिसकी जिस तरीके से होलब्रुक ने यूरोप में यूगोस्लाविया के हिस्से बखरे किए थे और यूगोस्लाविया को तोड़कर मुकम्मल कई हिस्सों में तकसीम करने का काम जिस अमेरिकन शख्स के जिम्मे दिया गया था, वो होलब्रुक था। और अमेरिकन ने अब उसी शख्स को पाकिस्तान में भेजा है अपनी नई डॉक्ट्रिन एफपैक को मुकम्मल करने के लिए, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक ही थिएटर ऑफ ऑपरेशन समझती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बलूचिस्तान का सूबा अमेरिकन के लिए बहुत ज्यादा दिलचस्पी का बायस है। बहुत तवील अरसे से जब ये सोवियत यूनियन को इस इलाके में रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनको खौफ यही था कि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से होता हुआ कहीं बलूचिस्तान के रास्ते गर्म पानियों तक ना पहुंच जाए। उसका मतलब सिर्फ सोवियत यूनियन को वहां रोकना नहीं था, बल्कि ये भी इनके मकसद थे कि किसी तरह बलूचिस्तान के पूरे खित्ते पर खुद कब्जा किया जा सके, क्योंकि बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से, तेल से, गैस से, सोने से, कॉपर से, टाइटेनियम से, यूरेनियम से भरा हुआ है और दुनिया की आला करीम खजाने अल्लाह ने पाकिस्तान की इस खित्ते, इस सरजमीन की जमीन के नीचे दिए हुए हैं। और इनको बहुत अरसे से नीयत इस बात पर खराब थी। तालिबान की हुकूमत का तख्ता उलटने में आपको याद होगा कि बहुत बड़ा दखल इस बात का था कि तालिबान ने इनको बलूचिस्तान के रास्ते, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रास्ते गैस पाइपलाइन गुजारने की इजाजत नहीं दी थी और यूनिकॉल का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके इन्होंने अर्जेंटीनियन कंपनी डीडास को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, जिसके बाद यूनिकॉल ने अमेरिकन गवर्नमेंट से कहा था कि यहां पर हमें तख्ता उलटने की जरूरत है ताकि हमारी पसंद की हुकूमत आए जो इस पूरे खित्ते में अमेरिकन बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट करे। और ये भी आपको याद होगा कि कारजाई साहब जो अपॉइंट किए गए थे सदर, ये असल में यूनिकॉल के कंसल्टेंट हैं, यूनिकॉल के मुलाजिम को अपॉइंट किया गया अफगानिस्तान के सदर के तौर पर। तो अब अच्छा, अफगानिस्तान का जहां तक मामला है, एक बात ये भी नोट कीजिएगा कि पिछले कई दिनों से जब से ओबामा साहब हुकूमत में आए हैं, ये एक ट्रूप सर्च की बात कर रहे हैं अफगानिस्तान में कि बहुत भारी तादाद में अमेरिकन फौजों को वहां लाया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ उनका एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल क्राइसिस भी पैदा हो गया है। लॉजिस्टिकल क्राइसिस ये है कि इनकी तमाम तर सप्लाईज पाकिस्तान के रास्ते जाती थी। अब जब ओबामा डॉक्ट्रिन है, उसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले किए जाएंगे, पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक्स भी होंगे, इनकी फौजें भी हमारे इलाकों में दाखिल होंगी। और जब ये इस किस्म की हरकतें पाकिस्तान में शुरू करेंगे तो इनको ये मालूम है ये बात अच्छे तरीके से कि इनकी सप्लाई लाइन जो पाकिस्तान से गुजरती है वो फिर बंद हो जाएगी। अब सवाल इनके पास ये है कि और कौन सा रास्ता अमेरिकन के पास है कि सप्लाई लाइन को यहां से पाकिस्तान के अलावा बाईपास करके अफगानिस्तान पहुंचाया जा सके। इनके ट्रक्स हैं, कंटेनर्स हैं, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां क्रॉस करती है, तेल है, फ्यूल है, ये और ये चीजें एयरलिफ्ट नहीं की जा सकती, कितना महंगा पड़ता है। अब इसके लिए दूसरा ग्राउंड रास्ता जो है उनके पास वो ईरान के थ्रू है कि ईरान के जरिए ये मामला ईरान की पोर्ट बंदर अब्बास पे सामान उतरे और वहां से चाबहार पहुंचे, वहां से होकर और फिर अफगानिस्तान में दाखिल हो जाए। ईरान से अभी तक इनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं कि ये बराह रास्त ईरान से मुजाकरात मुआहदे करने के बाद ये पाकिस्तान को बाईपास कर दें और अपना तमाम तर अफगानिस्तान का ट्रांजिट ट्रेड जो है वो ईरान के थ्रू करें। अफगानों ने डील कर ली है, इंडियन ने डील कर ली है ईरानियों के साथ, अभी तक अमेरिका की डील नहीं हुई है। कनेडियन और दूसरे नेटो के ममालिक ने फर्दन फर्दन डील करने की कोशिश की है, कनेडियन कंटेनर जा भी रहे लेकिन अभी तक अमेरिकन को रूट नहीं मिला। तो अमेरिकन के पास ये दूसरा ऑप्शन है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर पाकिस्तान बंद हो जाता है, ईरान रास्ता नहीं देता, तो ये अपनी फौजों को सप्लाईज अफगानिस्तान में कैसे पहुंचाएंगे? और उसके लिए सबसे शॉर्टेस्ट रूट अमेरिकन के पास ये है कि गवादर की बंदरगाह पर कब्जा करें और गवादर के रास्ते फौजें दाखिल करते हुए अपना एक रूट निकालें जो अफगानिस्तान के जनूब में कंधार की तरफ जाएगा। और
खेल को दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उधर आते हैं। एक तो ये कि क्या इस वक्त जो नेटो और कैनेडियन कंटेनर्स हैं उसके अंदर अमेरिकन सामान नहीं जा रहा, और दूसरा यार, ये कि अमेरिकन आखिर सामान सार उसमें जा रहा है, अमेरिकन ये तो सामान सवाल उसमें ये जरूर जा रहा है, कि लेकिन वो एक अमेरिकन की रिलायबल सप्लाई लाइन नहीं है, क्योंकि जिस लेवल के सामान की ये बात कर रहे हैं उसके अंदर हम भी देखिए, बहुत सा सामान है जो कंटेनर में नहीं जा सकता, जिस तरह उनके टैंक्स हैं, जिस तरह उनकी हम भी हैं, जिस तरह उनकी आर्टिलरी तोपें हैं, जिस तरह उनकी वो इक्विपमेंट है, जिस तरह उनके आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है, उनके टैंक है, ये सब चीज कंटेनर में नहीं जाती, ये खुली होकर ट्रॉलर पर ट्रक पर रखी जाती है, और ये इक्विपमेंट ये ईरान के थ्रू नहीं गुजार सकते। सो दे नीड एन ओपन पोर्ट जहां से ये अपना सारा सामान बराह रास्त अफगानिस्तान के अंदर दाखिल करें, और जो चंद्रबाग की पोर्ट है दे वांट टू यूज दैट। और इसके लिए ये गवादर की पोर्ट को अपने जहन में रखे हुए हैं एज अ बैकअप ऑप्शन। अब यहां पर इस बात को जहन में रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान में इनकी सप्लाई खराब हो रही है, अफगानिस्तान इनको ईरान से रूट नहीं मिल रहा है, और ये पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं। ये क्रिटिकल मौका था कि जब ये बलूचिस्तान में इतना फसाद बर्पा करना चाहते थे कि ये सूबा पाकिस्तान के हाथ से निकल जाए, इस मौके पर जॉन सुलिकी का अगवा किया जाता है। अब देखिए ये बात हम बार बार एम्फोसाइज करेंगे यहां पर कि जॉन सुलिकी का जो अगवा है वो सीआईए का कवर्ट ऑपरेशन था, इस बात को ध्यान में रखिएगा, जॉन सुलिकी का सीआईए कवर्ट ऑपरेशन था, तो उसका मकसद ये था कि इसको एक ड्रामा बनाकर, एक बहाना बनाकर इस पूरे बलूचिस्तान के अंदर एक आग लगाई जाए। हम आपको बता दें किस तरह, देखिए अमेरिकन गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो कभी भी किडनैपर से निगोशिएट नहीं करती, और जब कोई अमेरिकन सिटीजन अगवा कर दिया जाता है तो पूरी दुनिया में अमेरिकन हुकूमत एक हंगामा बर्पा कर देती है, पूरी दुनिया में तूफान बर्पा हो जाता है, अमेरिकन फौजें मूव कर जाती है, और खासतौर पर इस लेवल का अमेरिकन ऑपरेशन। अब होकर क्या है कि जॉन सुलिकी को अगवा करती है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो अपने आप को बीआरए कहती है, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी उस वक्त, और पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट खामोश रहती है, सारी निगोशिएशन बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले की जाती है, अमेरिकन एम्बेसी पसे पर्दा काम करती है, कोई शोर हंगामा नहीं बर्पा किया जाता। और मजे की बात कि जो लोग किडनैप करते हैं इस जॉन सुलिकी को, वही लोग इन्वॉल्व होते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से निगोशिएट करने में। यानी कमाल यह है कि हिबरियाली जो दहशतगर्दी के जुर्म में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पकड़ा हुआ था लंदन में, वो निगोशिएट कर रहा है, जो खुद बीएलए का है, जिसने अगवा किया सुलेकी को, उसके अलावा और वो तमाम अफराद और अमेरिकन ना तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को और ना ही बीआरए को दहशतगर्द डिक्लेयर करते हैं कि उसने अमेरिकन सिटीजन को अगवा किया। फिर अमेरिकन ये पॉलिसी कि हम निगोशिएट नहीं करेंगे दहशतगर्दों से, ये खत्म किस तरह की जाती है कि उस जॉन सुलिकी के रिहाई के नतीजे में, उसके बदले में कम अज कम 1,000 से जायद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों को जेलों से रिहा किया जाता है। ये बात नहीं बताई जा रही है हमारे मीडिया और हमारी गवर्नमेंट में, जो बदतरीन दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश किए बैठे थे, जिनको बड़े अरसे से हुकूमत ने पकड़कर जेलों में बंद किया हुआ था, उनको जॉन सुलिकी को रिहा कराने के अवज रिहा किया जाता है, और वही लोग जो अगवा करते हैं वही निगोशिएटर भी है। यानी कमाल ही है, मास्टरपीस है ये, कि जो अगवा कर रहे हैं वही निगोशिएट भी कर रहे हैं, उन्हीं के बंदे जेलों से छोड़े जा रहे हैं, अमेरिकन एम्बेसी चुप बैठी हुई है, अमेरिकन गवर्नमेंट कोई स्टेटमेंट नहीं देती, अमेरिकन गवर्नमेंट बीएलए को बीआरए को दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं करते। ये कौन सा ड्रामा हो रहा है, कौन किसको बेवकूफ बना रहा है यहां पर? किसी दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नतीजा ये हुआ कि जब वो 1,000 दहशतगर्द जेलों से निकले, उनको असलाह रुपया दिया गया, और एक ऑफनाक कैंपेन पूरे बलूचिस्तान में आग लगा दी, जिसका बहाना बनाया गया उन तीन अफराद के कत्ल का, जो तीनों बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सरबराहान थे। देखिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इतनी अहमक नहीं है कि उन तीन आदमियों को उठा के कत्ल करें और ले जाके चौक पर डाल दें अगले दिन, ताकि पूरे बलूचिस्तान में आग लगा दी जाए। अब आप ये समझिए कि बलूचिस्तान में आग लगाने का फायदा पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की एजेंसीज को होगा या हमारे दुश्मनों को? जब आप कोई अमल करते हैं, जब आप कोई काम करते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि इसका फायदा किसको हो। अगर एजेंसीज ने उनको अगवा करके कत्ल करना था तो वो उसको अगवा कर लेते, खामोशी से कहीं रख लेते, पता भी ना लगता, मिसिंग पर्सन की लिस्ट में इजाफा हो जाता, वो शख्स गायब हो जाते, या उनको कहीं मारना भी था तो मार के ऐसी जगह दफन करते कि 6 महीने किसी को लाश भी ना मिलती। ये कौन सा तरीका है कि मार के जान के चौक के बीच में ला के डाल दिया जाए, ताकि इसके नतीजे में पूरे बलूचिस्तान में आग लगे और वही 1,000 अफराद जिनको दो किया गया था असलाह लेकर पूरे बलूचिस्तान में आग लगाने फिर जाते हैं? देखिए दिस वॉज अ कवर्ड ऑपरेशन,
ये सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसको डिलीवर किया गया है सीआईए की तरफ से। मकसद ये है